जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से जुड़ी सीमा से महज 14 किलोमीटर दूर भारतीय वायुसेना के जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकवादी हमला होने की खबर है। शनिवार रविवार दरमियानी रात जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन पर दो धमाके हुए। खास बात यह है कि धमाके किसी आतंकवादी के द्वारा जमीनी हमले से नहीं बल्कि ड्रोन से किए गए हैं। धमाकों में दो जवान घायल हुए हैं। धमाके कम तीव्रता के थे, पर भारत पर यह पहला हमला होगा जो ड्रोन से हुआ है। ड्रोन के जरिए एयरबेस के भीतर दो आईईडी गिराए गए। एक आईईडी एयरफोर्स स्टेशन के छत पर गिरा और दूसरा खुले एरिया में। पहला धमाका रविवार को रात 1:37 पर और दूसरा 1:43 पर हुआ। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इसे एक आतंकवादी हमला बताया है। मामले में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के कुछ देर बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति के पास 6 किलो विस्फोटक मिला है। देखने वाली बात यह है कि यह हमला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से तुरंत पहले हुआ। हालांकि इस हमले के बावजूद राजनाथ सिंह LAC पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर एयर चीफ मार्शल HS अरोरा से भी बात की। इस मामले की जाँच NIA अपने हाथ में ले सकती है। प्रिया आनंद, इंडिया खबर लाइव।